हे गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू गुरु एडी चैनल। सो गाइज इस वीडियो में सीखेंगे कुछ इस तरह की कलर टोन लेके आना अपने फोटो के अंदर। हाँ गाइज ये जो कलर टोन है बहुत ही इजी स्टेप में आप लोगों को सिखाया है। गाइज चाहता तो मैं आप लोगों को जो है इसका प्रीसेट भी आपको दे देता, बट यहाँ पर अगर आप मैनुअली सीख लेते हो तो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, क्योंकि गाइज हर फोटो का सिचुएशन एक जैसा नहीं होता, अलग अलग होता है। तो आप लोग मैनुअली सीख लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। गाइज अगर हेल्पफुल वीडियो रहता है तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज Lightroom एप्लीकेशन में आपको नॉर्मल फोटो को ओपन कर लेना है। और गाइज आप फोटो जब क्लिक करवाओगे तो ये बात जरूर में ध्यान में रखना कि गाइज आपका बैकग्राउंड जो है बिल्कुल हरा भरा बैकग्राउंड होना चाहिए। किसी भी आप मतलब ट्रीज के पास अपने फोटो क्लिक करवा सकते हो, हरा भरा आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा। ठीक है गाइज, फिर आपको जो है अपने फोटो को जो है ना आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन करके गाइज अपने फेस को स्मूथ कर लेना है ब्राइटी जैसा। अगर आप लोगों को स्मूथ करने नहीं आता तो गाइज इस टॉपिक पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, जाके देख लेना। ठीक है गाइस, इस वीडियो में यार ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता इसलिए आप लोगों को जो है सिर्फ रिटचिंग बताऊंगा। तो फोटो को Lightroom में ओपन करने के बाद सबसे पहले गाइस यहाँ पर आपको लाइट का एडजस्टमेंट करना है। तो लाइट का एडजस्टमेंट यहाँ पे दो तरीके से आप कर सकते हो, एक मैनुअली और एक ऑटोमेटिक। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऑटोमेटिक कर लो, मैनुअली का झंझट मत रखना। ठीक है, इस तो यहाँ पे ऑटोमेटिक करोगे तो काफ़ी अच्छा जो है एडजस्टमेंट आपको मिल जाएगा। कभी कभार होता है कि किसी फोटोज़ पे नहीं मिल पाता है तो आप लोग वहाँ पे मैनुअली कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे लाइट का एडजस्टमेंट करने के बाद चलना है कलर टूल पे, एंड यहाँ पे कलर टूल पे आने के बाद मिक्स टूल में चलना है। फिर हमें सीधा यहाँ पर जो है रेड कलर देखने को मिल जाएगा, तो गाइस रेड कलर हमें सिलेक्ट करना है एंड इसके सैचुरेशन को जो है हमें कम करना है थोड़ा सा, एंड यहाँ पे सैचुरेशन को करीबन इतना आपको कम कर लेना है। फिर आपको इसको लाइट देने के लिए गाइज यहाँ पे ल्यूमेंस को आपको बढ़ाना है, जिससे हमारे कलर में गाइज लाइट आ जाएगा। ठीक है, रेड कलर में सिर्फ लाइट आएगा, देख सकते हो जो भी हमारे शर्ट पे लाइट कलर आप आने लग गए हैं। अब हमारा सेकंड कलर मिल जाएगा यहाँ पे ऑरेंज कलर, जो कि हमारा फेस टोन होता है। तो गाइस फेस टोन तो हमारा ठीक ठाक है, बट हमारे फेस पे थोड़ा सा ब्राइटनेस की कमी है। तो गाइस ल्यूमेंस को बढ़ाएंगे जिससे हमारा फेस भी लाइट हो जाएगा। देख सकते हो गाइस कितना डिफरेंट हमारे फेस में आ रहा है अब। एंड गाइस हम अब थर्ड कलर पे चलेंगे जो कि येलो कलर है। तो गाइस येलो कलर हमारे बैकग्राउंड में होता है ग्रीन कलर के साथ। गाइस येलो कलर को हम ह्यू को माइनस करेंगे तो देख सकते हैं गाइस हमारे फोटो में भाई ऑरेंज टोन आने लग गया है। बट गाइस हमें इतना ऑरेंज टोन नहीं चाहिए, हमें फीका ऑरेंज टोन चाहिए। तो गाइस सैचुरेशन को अब कम करेंगे इसके लिए। फिर गाइस आपको जो है ल्यूमिनेंस को इंक्रीज़ कर लेना है, जिससे हमारे भाई कलर में थोड़ा सा लाइट आ जाएगा। एंड आपके फोटो में अब गाइस ग्रीन कलर रहता है तो आपको ग्रीन कलर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, बट मेरे फोटो में भाई ग्रीन कलर का तो नामो निशान नहीं दिख रहा। तो गाइस मैं कुछ नहीं करूँगा, बाकी जो कलर है दो ब्लू कलर उनके सैचुरेशन को सिर्फ कम कर लूँगा। ठीक है, एंड सिंपल ऐसे डन करूँगा गाइस। अब गाइस देख सकते हो हमारे फोटो में भाई कलर टोन तो काफ़ी अच्छा आ चुका है। यहाँ पे चाहो तो आप वाइब्रेंस भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो अगर आपके फोटो में भाई कलर ज़्यादा ही फीका दिखे तो। अब यहाँ पर आने गाइस क्लियरिटी वाले ऑप्शन में, एंड इसके अंदर गाइस टेक्सचर को जो है 15% बढ़ाना है आपको, एंड क्लियरिटी को आपको 15% माइनस करना है वहीं पे। एंड इसी तरह डीएच को हमें 15% प्लस में रख लेना है। एंड गाइस एक दो नंबर आगे पीछे भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ये हम बाद में एडजस्टमेंट देख लेंगे। एंड यहाँ पर देख सकते हो हमारे फोटो में भाई काफ़ी अच्छा जो है एडजस्टमेंट हो चुका है। बिफोर एंड आफ्टर आप लोगों को दिखाते हो, गाइस देख सकते हो बिफोर का फोटो एंड आफ्टर देख लो गाइस क्या रिजल्ट मिला है। तो गाइस इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। आप चाहो तो गाइस यहाँ पे फोटो को फुल HD में करने के लिए यहाँ पे शार्पनेस अपने फोटो में बढ़ा लेना है। यहाँ से गाइस शार्पनेस भी आप अपने फोटो के मुताबिक बढ़ाना, ठीक है, फिर आपका जो फोटो है फुल HD में हो जाएगा। आप फोटो जब अपलोड करोगे इंस्टाग्राम पर तो भाई कतई जहर वाली लुकिंग आएगी। तो यहाँ पर गाइस हमारा जो है आज की वीडियो में यही था। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो यार जरूर एक वीडियो को लाइक करना, और वीडियो में कुछ कमी है तो यार कमेंट करके बता देना, और कोई क्वेश्चन हो उसके लिए भी भाई कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो गाइस चलिए ऐसी किसी नेक्स्ट एक्साइटिंग वीडियो के साथ मिलेंगे। तो जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।